तो दोस्तों बने रहिएगा। देखिए भाभी क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, अरे क्या हो गया, ये तो पैसा माला माल हो गया। भैया सामने शांति सावा शांति यतो यतः समीयसे ततो नो अवयं गुरु देव्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहितानां सुमधुराधिपतये नमः सोमकस्य गदान्तस्य कपिलोगणकलम्बोदस्य विक्तो विघ्नाशः। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए मैं आ गया हूँ, जो भैया साले का आज तिलक है चुका है। दोस्तों देखिए आ चुका हूँ, शांति हो सुख शांति भवतो ओम सुमधुराधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हृदयकल्पाभ्यां नमः ुलेताभ्यो नम ग्राम देवताभ्यो नम वासुदेवताभ्यो नम आसान देवताभ्यो नम सर्व एक हजार अस्सी खड़े खड़ा मारा था दोस्तों। देखिए कौन आया हमारे साथ, कैमरा मैन हमारे गांव की मिल गए। तो दोस्तों बने रहिएगा। देखिए नए नए शादी हुआ है, वहाँ छोड़ के इधर आ गए हैं दोस्तों। काफ़ी दुख मुझे भी हो रहा है, अब क्या किया जाए, बिजनेस है तो आना ही पड़ेगा। पिताजी भी हैं, भैया हैं, बाबूलाल आप विष्णु भी आए हैं और रामदेव घर हैं, सीएम घर हैं। देखिए दो पंडित हैं, चाहे एक मुस्लिम हो नहीं है। दोस्तों दोनों पंडित साथ साथ चल रहे हैं। देखिए ये अमरजीत के जो है उनके साले हैं। तो देखिए दोस्तों अभी इनका मान चले 4-5 दिन पहले इनका शादी था और उम्मीद नहीं था यहाँ आने के लिए। अकेले आए हो, इंद्रेश भी है, गुलाब है, कहाँ है बैठा है। दोस्तों दो लोग हैं, गुलाब भी आया है। और देखिए कैमरा बहुत अच्छा इनका 4K है और जिसको भी चाहिए बुकिंग के लिए संपर्क कर लीजिएगा, नंबर डाल दूंगा मैं। अरे तनु मुस्कुलाल है। दोस्तों देखिए दो पंडित हैं और दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा मंडप बनाया गया है, काफ़ी अच्छा मंडप बनाया गया है। और हम लोग भी मांग चलिए 15 मिनट पहले अभी पहुँचे हैं। दोस्तों देखिए मंडप सज गया है, काफ़ी अच्छा मंडप सजाया गया है। और देखिए काफ़ी संख्या में भीड़ है, हम लोग बहुत आउट एरिया में आए हैं। एक मांग चलिए कि हम लोग जैसे शहर में रहते हैं, शहर टाइप में,
यहाँ गाँव का भी पूरा गाँव है चारों तरफ। सूर्य सौर्य मध्यम दुर्ज पदवे सन्मंगल मंगल है सत्पद्य गुरुतम शुक्र शुभम शमशने राहुर्बाहुबलम करोति सततम केतुदुलशयुन्यते नित्यं प्रतिकरा भवन्तो सर्वे अनुकूला ग्रह नित्यं प्रतिकरा। दोस्तों देखिए क्या बोलने कुछ है नहीं, अभी पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो क्या किया जाए, सोच रहा था रिकॉर्डिंग करने के बाद। देखिए हम लोग लेट पहुँचे अमर कांत का लेक्चर रहा है, कितना टाइम हो गया दोस्तों, मान चलिए घंटा हो गया है लेक्चर है, आधा घंटा और मान चलिए लगेगा, देखता हूँ कब तक कितना समय लगता है। क्या देखा था दोस्तों, देखिए बगल में लगा कुछ तैयारी चल रहा है, लड़का ठीक मान था। देखिए दोस्तों भाभी हैं, उनके बगल में भैया हैं, और नीचे भी भाभी हैं, उनके बगल में भैया उनके भैया हैं। दोस्तों देखिए वहाँ पिताजी हैं, साथ में बैठे हैं। इधर भैया दोनों लोग सामने देखिए, इधर अमर जी इधर। अरे अमर भाई साहब ठीक पहले पूछ लो। दोस्तों देखिए यहाँ खाने का व्यवस्था बनाया गया है, देखिए 8:30 बज गया है और मैं भी खाना खा लिया है, और देखिए रमेश भी आ चुके हैं, बगल में दीदी लड़के हैं, मैं भी मांग चलिए 1.5 घंटा हो गया आए हुए। अभी तिलक चल रहा है दोस्तों, दो पंडित हैं जो कंपटीशन में बोल रहे हैं सब, चलिए आप लोग दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए पीछे आग बारा गया है क्योंकि ठंड भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। कितना ठंड लग रहा है आप नाग देखो आग ही बड़ा है। तो दोस्तों देखिए भैया भी हैं, हाँ ठीक है ठीक। दोस्तों देखिए गुलाब हमारे गांव के हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है, ऊपर वाले ने भेजा तो ऊपर वाले जब बुलाया ना तभी हम लोग भैया देखिए बड़े भैया हमारे हैं, भैया को 2 दिन हो गया आए हुए और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं मस्ती में। तो दोस्तों आखिरकार काफ़ी लंबा तिलक चढ़ाने का ख़त्म हुआ, करीब करीब 2 घंटा तिलक चढ़ा है। इधर देखिए अमर खान थाली लेकर घर जा रहे हैं, इधर विष्णु भैया हैं हमारे साथ, खाना ना खाए हैं और खाना नहीं खाए भाई, नाश्ता किए हैं हमारे साथ, नाश्ता किए हैं, अब जाकर खाना खाएंगे, उम्मीद कम ही है। देखिए बाबूलाल भैया हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो महिलाएं हैं काफ़ी अच्छा गाली गीत गा रही हैं, कुछ समझ मुझे भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, पिताजी हमारे साथ आए हैं और फिर साथ चले भी चलेंगे। तिलक चढ़ गया है, 2 घंटा मान के 2 घंटा चढ़ा है और
आए हुए करीब करीब हम लोग को एक घंटा हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे। बबुआ कुछ खा वाले पूरा दही खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, चलो ठीक है। दोस्तों देखिए सूरज है, जाके अपने नानी साथ फोटो खिंचवा रहा है। नानी है, मौसी है, नानी कहाँ है उनका। और देखिए दोस्तों काफी ज्यादा गीत गा रहे हैं सब, वही उधर बड़ी भाभी भी दिख गई है। नानी कहाँ है, लेके जा रहे हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है, बंद रहिएगा आप लोग।